Hello everyone, welcome to our YouTube channel RN Study Success Point. Hello दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube channel RN Study Success Point पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग किए थे, जो है क्लास नाइन्थ का मैथ कर रहे थे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे इसके बारे में इम्पोर्टेंट टर्म्स, यानी कि हम लोग पढ़े थे। अगर जो बच्चों अभी तक नहीं, न्यू बच्चे है जो नहीं देखे है, तो एक बार आप लोग उसे जरूर देख ले। हम लोग जो है वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आप लोग कैसे बता देते कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या किए थे। बच्चों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम किए थे कि रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, होल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है बच्चों, इंटीजर्स क्या होती है, रेशनल इरेशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इरेशनल नंबर को कैसे हम रेशनलाइज क्यों करते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारा हम लोग जितना जो इस चैप्टर वन की जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना बच्चों, हम लोग ये पढ़े थे उसमें, ठीक है, डिफिनेशंस इम्पोर्टेंट टर्म जो हमें यूज होगा, ठीक है बच्चों। और आज जो हम लोग है, अब आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 यानी कि स्टार्टिंग से हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे बच्चों, बहुत ही मजा आने, बिल्कुल हम लोग मजा के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को पढ़ने में। सिर्फ आप लोग बढ़िया तरीके से समझे और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहे, ठीक है बच्चों, और उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग 1.1 करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, 1.1 में क्या है, हम बुक भी साथ रखे हैं, 1.1 में क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन समझाएंगे, वहां से देखेंगे। देखो बच्चों, 1.1 में क्या है क्वेश्चन में, इज, देखो फर्स्ट में था बच्चों, इज रेशनल नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है बच्चों, यानी कि इज जीरो जो रेशनल नंबर है, क्या उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। यानी कि क्या इसमें हमें ये बताना था कि क्या जो है हम लोग जीरो को जो रेशनल नंबर है उसे कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो यस, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि ये जो फर्स्ट का आंसर होगा बच्चों, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यस एस जीरो कैन बी, यानी कि जीरो कैन बी रिटेन, यानी कि जीरो को हम लोग कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि जीरो को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे बच्चों, एग्जांपल देखो, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को 0.1, 0.2, 0.3 etc, ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं। ऐसे हम क्या रेशनल नंबर है, कैन यू राइट, तो ये हमें बताना था, इज जीरो रेशनल नंबर, तो यस जीरो जो है क्या है, यहाँ लिखेंगे एस जीरो इज रेशनल नंबर, यानी कि जीरो रेशनल नंबर था, ये भी हमें बताना था, ठीक है बच्चों, और इसे इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। आ रहा बच्चों समझ में, आ रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में था क्या बच्चों, फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, क्या है बच्चों, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर बताना, ठीक है बच्चों, तो 6 रेशनल नंबर बताना। देखो बच्चों, वैसे तो देयर आर इनफिनिट यानी कि इनफिनाइट रेशनल नंबर होगी, कोई भी इसके बीच में जो है बहुत ही अनंत कितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे, जैसे हम इसे डेसिमल के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, 3.01, 3.02, बहुत सारे रेशनल नंबर है, बट हमें 6 लिखना था, ठीक है, देयर आर इनफिनाइट, तो जो 6 रेशनल नंबर लिखना है बच्चों, तो एक चीज देखो, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, और इसे क्या लिख सकते हैं, 4/1। एक ध्यान रखना बच्चों हमेशा, एक केस सिंपल एक जो है ये ध्यान रखना, अगर जो बच्चों आपका डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो जितने रेशनल नंबर निकालना है ना बच्चों, कितने जितने भी निकालना है उससे 1 और प्लस करके इसे मल्टीप्लाई कर, यानी कि इसे देखो बच्चों क्या करेंगे, इसमें था इससे 6 ही नंबर निकालना है, तो इसे तो पहले हम क्या करेंगे, 18/, इसे हम लोग 18/6 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 24/6। आप देखो इसके बीच में ये रेशनल नंबर हो गया, और आप लोग को बच्चों समझ में, ठीक है, देखो 19, 18, 20, 21, 22, 23, ये 5 रेशनल नंबर हो गया बच्चों, ठीक है, बट हमें 6 निकालना था बच्चों, देखो 6 निकालना था, तो हमें इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करना है हमें, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3/1 मल्टीप्लाई 7 × 7,
और यहाँ 4 upon 1 into 7 into 7। ठीक है बच्चों, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 21 upon 7, और इसे इधर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा 28 upon 7। अब देखो बच्चों इसके बीच में 6 रेशनल नंबर आ गया, कौन कौन सा 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7 एंड 27 upon 7। देखो बच्चों ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, ये जो रेशनल नंबर है आर द रेशनल नंबर, आर द रेशनल नंबर विच आर, विच आर बिटवीन किसके बीच में 3 upon 1 एंड 4 upon 1, यानी कि 3 और 4 के बीच में हम ये रेशनल नंबर लिख सकते हैं जो इसके बीच में होगा। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में, हम क्या बताए थे दोबारा आप लोग कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जितने भी रेशनल नंबर हमें निकालना, अगर जो सब में अलग अलग, अगर जो हम इस केस में जो डिनोमिनेटर सेम होगी, डिनोमिनेटर सेम होगी, तो उस केस में क्या होगा, जितना रेशनल नंबर निकालना उसे एक आगे से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में। आ रहा बच्चों आप लोग को समझ में, ठीक है। तो यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 upon 7 से मल्टीप्लाई किए, इसे जो है 3 upon 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 upon 1 को भी 7 से करेंगे, 21 upon 7, 28 upon 7। आ रहा बच्चों समझ में, ये हो गया आप लोग को समझ में आ रहा है। देखो बच्चों आ रहा, तो ये रेशनल नंबर हमारा हो गया इसके बीच में 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, आर द रेशनल, आर द रेशनल नंबर विच आर 3 upon 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था, ठीक है। अब हम लोग जो बच्चों देखो, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो बच्चों क्या है, आप लोग को एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बच्चों, थर्ड में फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 upon 5 एंड 4 upon 5। ये भी सेम क्वेश्चन है, 5 रेशनल नंबर हमें ये दोनों के बीच में निकालना है, कितने बच्चों 5 निकालना है, कितना 5 निकालना है। वैसे तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारे रेशनल नंबर ये दोनों के बीच में हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 upon 5 एंड 4 upon 5। ठीक है बच्चों, यानी किसके बीच में, तो बहुत सारे रेशनल नंबर, बट हमें कितने निकालना था बच्चों, 5 निकालना था, कितने निकालना था 5। तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों इसका इक्विवेलेंट से करेंगे तो इसे क्या तो हम 5 से मल्टीप्लाई, अब देखो 5 रेशनल नंबर निकालना था तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे बच्चों 6 से, तो ये क्या आ जाएगा 3 upon 5 into 6 into 6, ये कितना आ जाएगा बच्चों 6 3 जा कितना गया बच्चों 18 upon 30, और ये क्या हो गया बच्चों 4 upon 5 into 6 upon 6, यानी कि 24 upon 30। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में, अब इसके बीच में जो देखो 19 20 21 22 23 24, ठीक है बच्चों ये हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों क्या हो रहा है कि ये 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, तो इसका जो बच्चों क्या आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो हम इसकी क्या करेंगे इक्विवेलेंट ले लेंगे, और इसे 6 के जगह पे हम 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 3 36, 12 4 48, क्योंकि ये 5 ही आ रहा था इसके बीच में। आ रहा बच्चों आप लोग को समझ में, क्योंकि ऐसे हम देख रहे थे ये, तो 5 ही तो निकालना था, ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग कर लेंगे, तो ये भी है ना, तो इसका इक्विवेलेंट लेना, यानी कि क्या जाएगा 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30 एंड 23 upon 30 आर द रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5 हो गया बच्चा, आर द रेशनल नंबर विच आर बिटवीन किसके बीच में होगा बच्चों 3 upon 5 एंड 4 upon 5। आ रहा है बच्चों आप लोग को समझ में, ठीक है। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर जो कि ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये आप लोग को हम बुक में ही समझा देते हैं कैसे। देखो बच्चों सबसे पहले जो था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो है, बताना स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर, यानी कि ये सही है गलत है ये बताना, और इसका सबका हमें रीजन भी बताना कि ये सही है क्यों गलत है। अब देखो बच्चों फर्स्ट में बताना था एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर,
क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है? तो फर्स्ट में क्या होगा बच्चों, क्या था? एवरी एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर हो सकता है? तो यस हो सकती है। अब देखो बच्चों, हम जिसका भी निकाल लें उसकी हम डिफिनेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर हो सकता है? होल नंबर क्या होता है बच्चों? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, और ये होल नंबर थी। और नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर क्या होता? वन, टू, थ्री, फोर, डेड इनफिनाइट था। देखो बच्चों, तो जो ये होल नंबर था इसमें नेचुरल नंबर तो ये भी आ रहा, तो जितने भी नेचुरल नंबर होगा ये होल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रीजन हो गई। आ रहा आप लोग को समझ में बच्चों? ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? एस होती। तो फर्स्ट का जो आंसर है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट में इसका क्या लिखेंगे? ट्रू होगा। ठीक है बच्चों, ट्रू होगी। आ रहा नेक्स्ट देखो बच्चों, क्या था? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी कि जितने भी क्या जितने इंटीजर है क्या वो होल नंबर होगा, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। एवरी इंटीजर होल नंबर हो सकती है। तो सेकंड में देखो क्या है बच्चों, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, आइए बताना है। देखो बच्चों, होल नंबर में फिर डिफिनेशन, होल नंबर का डिफिनेशन क्या आ गया बच्चों? होल नंबर में जीरो, वन, टू, थ्री, डैश डैश ये। बट इंटीजर का क्या होगा बच्चों? इंटीजर में क्या आ सकता है? माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, ये सब आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये माइनस टू माइनस वन तो होल नंबर में नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो इसलिए माइनस टू इज नॉट होल नंबर। माइनस टू इज नॉट, माइनस टू इज नॉट होल नंबर, यानी कि जो माइनस टू जो है वो होल नंबर नहीं है, और इसलिए ये जो है नहीं होगा। तो इसका जो सेकेंड का आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगी। क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसमें जो है हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? ये फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। आ रहा बच्चों आप लोग को समझ में? ठीक है। थर्ड में बताना बच्चों, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, यानी कि क्या है? जितने भी रेशनल नंबर है क्या वो होल नंबर होगी या नहीं, हमें ये बताना। तो देखो बच्चों, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब देखो वही हम बताए थे, क्या जितने भी रेशनल नंबर है क्या वो होल नंबर होगा? आप देखो बच्चों, जितने भी रेशनल रेशनल नंबर क्या हो सकता है? टू अपॉन वन, ठीक है, वन अपॉन टू। देखो ये सारे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट, बट इट इज नॉट होल नंबर, बट इट इज नॉट होल नंबर, बट ये होल नंबर नहीं है ना बच्चों, क्योंकि होल नंबर के लिए हम क्या बताए थे? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये टू अपन नहीं, ये तो था ये, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या होगा बच्चों? फॉल्स। तो बच्चों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करते हैं आप लोग का ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच बच्चों। बाकी जो है हम लोग जो है नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज हम 1.2 जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, थैंक यू सो मच।